हाय गाइस वेलकम। और भाई लोग क्या हाल चाल है गाइस? तो अभी हम आ गए हैं छत पे, और छत पे का नज़ारा ये रात का आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए छत पे कितना बढ़िया लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रहा है, गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे तीसरे फ्लोर पे हैं, तीसरे महले पे सबसे ऊपर में लास्ट में है खड़ा। और ये देखिए सामने का नज़ारा, लाइट बत्ती, कितना घना इलाका है और हर जगह लाइट ही लाइट जला हुआ है। ये होता है शहर, इसको क्या बोलते हैं, शहर। खिड़की आप देख रहे हैं, छोटा छोटा खिड़की का जो लाइट दिख रहा है आपको, मेरे को हंसी भी आ रहा है देख के, क्योंकि ये सब चीज़ हमको ज़्यादा दिखता है। तो छोटा छोटा खिड़की देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पिंजड़ा का घोंसला है, इस तरीके से होता है पिंजड़ा का घोंसला वाला ज़िंदगी, मतलब छोटा छोटा जगह में एडजस्ट करके जीना, ये है भाई शहर का ज़िंदगी। वाह क्या सीन है, देखिए ये शहर का ज़िंदगी है भाई। हाँ, छोटे छोटे खिड़की के अंदर बालकोनी में ज़िंदगी गुजारना है। भाग दौड़ मचा हुआ है भाई, यहाँ सब पागल है, परेशान है सब, किसी के पास फुर्सत नहीं है एक दूसरे से बात करने का। तो क्यों ना ऐसा हो गया यार, महंगाई इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा दिया, हर चीज़ का रेट 6 महीने के अंदर डबल ट्रिपल कर दिया है, इंसान को तो परेशान करके धर दिया महंगाई। महंगाई से सब लड़ रहा है, महंगाई से सब परेशान है, अब क्या करेंगे भाई, कमाना खाना तो चलता रहेगा, अब कमाना ही पड़ेगा। अब कमाने के लिए कलकत्ता जाना पड़े, दुबई जाना पड़े, सऊदी जाना पड़े, कहीं पे भी जाना पड़े तो आदमी तो जाएगा ही, क्योंकि परिवार को चलाना है ना भाई, कैसा चलेगा। तो उसके लिए इस पिंजड़े में रहना पड़े या इस घोंसले में रहना पड़े, क्या फ़र्क पड़ता है इस तरीके से कटता है भाई। और सुबह से रात हो जाता है सिर्फ काम काम काम, जीना हराम। ये देख लो भाई लोग, वैसे यहाँ पे नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा है, देखिए नज़ारा अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि खूबसूरत लग रहा है रात में, लाइटें बहुत ज़्यादा है और सब में आदमी बुकिंग है, कोई खाली नहीं है, इसकी वजह से अच्छा ही दिख रहा है। बस सामने वाला बिल्डिंग देखिए, सामने वाला कितना खूबसूरत लग रहा है, वो भी अच्छा ही लग रहा है। और इधर भी है लेकिन इधर लाइट, हर बिल्डिंग में बहुत ऐसा बिल्डिंग है जो खाली है, एक नया वाला बन रहा है सामने, ये देखिए नया वाला बन रहा है, हर बिल्डिंग में इधर आदमी नहीं है, उस साइड खिड़की है उसकी वजह से दिख नहीं रहा। तो इधर भी पूरा घना है, अभी यहाँ पे हम खड़ा है, ये तो देख लीजिए बाउंड्री है, नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे से अगर कूदेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे, कूदेंगे क्या, अगर आगे चले गए तो सीधा नीचे जाएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ब्लॉग बना रहे हो तो कुछ अच्छा बना रहे, ब्लॉग बनाना जो शर्म आए, खराब लग रहा है बोलने में, शर्माने का क्या, खेत में जाके ब्लॉग बनाओ यार। शहर वाला ब्लॉग तो बहुत कोई बना रहा है, हर जिस किसी को देखो तो वो शहर का ही ब्लॉग बना रहा है। तो आप लोग से हम कहना चाहते हैं कि आप गांव का भी वीडियो दिखाओ यार, गांव का हमको बहुत मन कर रहा था देखने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो ज़रा खेत का दिखाओ, हरियाली का दिखाओ, आड़ी का दिखाओ, तो खेत में क्या रोपा हुआ है, क्या है, ये सब दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो जिसको देखो वो शहर के पीछे दौड़ रहा है, अरे गांव के पीछे जाओ ना यार, मेन हरियाली तो वहाँ है, शहर में क्या रखा है, शहर में तो हर कोई दौड़ रहा है, यहाँ पे तो वैसे ही आदमी एक दूसरे से सट सट के मर रहा है। थोड़ा गांव का वीडियो दिखाओ, शांति वाले अच्छे वाले वीडियो दिखाओ यार, क्या कर रहे हो भाई लोग। हाँ देखो बस खाली एक्सीडेंट एक्सीडेंट ये सब के चक्कर में लगे हुए आप लोग। आज के ब्लॉग में हम गाँव का वीडियो आप लोग से मांग रहे हैं, जो गाँव में गांव का जो ब्लॉगर है वो लोग से मेरा विनती है, जाओ भाई अपना खेत हरियाली दिखाओ, क्योंकि शहर का वीडियो देख देख के ना बोर हो गए हैं, हरियाली देखना चाहते हैं, खेत में क्या रोपा हुआ है, क्या चल रहा है। और आप लोग नहीं बनाओगे तो जब मैं गांव जाऊंगा, ठीक है बहुत जल्द टाइम आने वाला है, और गांव में जब जाऊंगा तो मैं खुद दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जैसा मन कर रहा है और सब भाई लोग का भी मन कर रहा होगा कि गांव का वीडियो कोई दिखाए। तो मैं गांव जाने वाला हूं एक हफ्ते बाद, और आप लोग का हरियाली का वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा
हमको सिखा रहा है। ठीक है, और वहाँ पे दिखाऊंगा और बच्चों को ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से धान में मेहनत होता है, चावल में ज़्यादा मेहनत लगता है या गेहूँ में ज़्यादा मेहनत लगता है, किस चीज़ को किसान उगाने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, या चावल उगाने में स्ट्रगल करता है या गेहूँ उगाने में ज़्यादा स्ट्रगल करता है, किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रगल करता है वो चीज़। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो आप लोगों को वही मिलने वाला है। और आप लोग का क्या हाल चाल है बताओ, अपने तो ठीक ठाक है, 15,000 का नौकरी हो रहा है, जिंदगी कट रहा है, दिन कटते जा रहा है, तो 15,000-20,000 में जिंदगी चलने वाला है नहीं। चलो मिडिल क्लास वाले लोग का जिंदगी बहुत बेकार है भाई लोग, बहुत बेकार है मिडिल क्लास वाले लोग, सिर्फ वो ना खटते खटते मर जाएगा, ना वो अपना ज़रूरत पूरा कर पाएगा, ना अपना ख्वाहिश पूरा कर पाएगा, ना वो अपना मर्जी से जी पाएगा, सिर्फ दूसरे को कहने पे जिंदगी चलते जा रही है, चलते जा रही है। तो इस तरीके से मिडिल क्लास वाले लोगों का हाल, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आदमी सोच रहा है कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा, अरे अच्छा कैसे होगा जब तक आप लोग खुद से अच्छा नहीं करोगे, अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि अच्छा होने के लिए अच्छा करना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जब तक खुद से कदम नहीं उठाओगे कुछ नहीं होने वाला। को जरा सबर करो, सोचने से क्या होगा यार, भाई लोग देखो एक से एक तीर मार रहा है, करने वाले 16 साल का लड़का एक से एक नया नया काम कर दे रहा, आदमी सोच भी नहीं सकता, इसलिए सोचो मत ज़्यादा, करो जो भी करना है करो, है सोचने का नहीं, और सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, कदम उठाने का, जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ के बारे में सोचो कम करो ज़्यादा। ठीक है, नहीं तो मिडिल क्लास वालों में फंसे रह जाओगे ना, तो ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। कुछ अपना करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूँगा, पैसा ही पैसा हो गया।